हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट, सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 4 सितंबर है, तो हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच नेशन करंटली हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेवी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया चाइना। चाइना के पास दुनिया का सबसे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है। ठीक है, तो ये हो गया चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल हो गई बीजिंग। बीजिंग इसकी कैपिटल हो गई चाइना की। और चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिंगी युआन। ठीक है, रेनमिंगी युआन चाइना की करेंसी हो गई। चाइना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट दोनों, वो कौन हैं? वो हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट एंड चाइनाज जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, शी जिनपिंग हो गए चाइना के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ SCO? कौन सा देश फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट करेगा? ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ SCO। SCO का फुल फॉर्म क्या हो गया? SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऐसा देश है जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, SCO की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, उसे होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा रशिया। ठीक है, रशिया सही आंसर हो गया। रशिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ SCO को होस्ट करेगा। SCO का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और SCO फॉर्म कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में SCO इस्टेब्लिश हुआ था। SCO की हेड क्वार्टर क्या है? SCO की हेड क्वार्टर है बीजिंग, और बीजिंग चाइना का कैपिटल है। ठीक है, बीजिंग में हेड क्वार्टर है SCO का, और बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल हो गया। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को। ठीक है, मॉस्को रशिया की कैपिटल हो गई। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हो गए। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए। और रशिया की करेंसी हो गई रशियन रूबल। रशियन रूबल रशिया की करेंसी हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट द SCO काउंसिल समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन नवंबर? तो नवंबर के मंथ में SCO काउंसिल समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। हमारा भारत SCO काउंसिल समिट को होस्ट करेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। SCO का फुल फॉर्म मैंने बताया है, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो SCO काउंसिल समिट को हेड करेगा, होस्ट करेगा इंडिया। इंडिया का सही आंसर हो गया। ये जो है ये मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO के। ठीक है, SCO के ये मेंबर कंट्रीज़ हो गए, जैसे इसमें आ गया चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज़ हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स? किस राज्य के कैबिनेट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन कर दिया है? गैम्बलिंग का मतलब हो गया जुआ। ठीक है, जुआ खेलने वाले ऐप्स को या जुआ खेलने वाले जो गेम्स होते हैं उसको किस राज्य के कैबिनेट ने बैन कर दिया है?
तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन कर दिया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो गया। आंध्र प्रदेश ने बैन किया है रमी और पोकर, ठीक है। रमी और पोकर भी ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स हैं, तो इन दोनों की तरह और भी जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स होते हैं उसे आंध्र प्रदेश ने बैन कर दिया है। एपी आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने आंध्र प्रदेश की गैम्बलिंग एक्ट 1974 में जो आंध्र प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट बना था उसके तहत उसमें अमेंडमेंट करते हुए ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन कर दिया गया, ठीक है, और इसे अप्रूवल मिल चुका है। तो ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS। BCAS का डायरेक्टर जनरल पहली ऐसी महिला जो BCAS की डायरेक्टर जनरल बनी है, ठीक है। तो ये बनी है उषा पधी जी को BCAS का डायरेक्टर जनरल बनाया गया और ये पहली महिला है जो BCAS की डायरेक्टर जनरल बनी है। उषा पधी एक IAS ऑफिसर है और ये पहली महिला है जिन्हें BCAS का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और तीसरी IAS ऑफिसर है, ठीक है। तीसरी IAS ऑफिसर है जिसे BCAS का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो पहली फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है ये और थर्ड IAS ऑफिसर है जिन्हें इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, ओके। तो ये हो गई उषा पधी। उषा पधी ने किसे सक्सीड किया है, मतलब किसके जगह पे उषा पधी इस पोस्ट पे आई हैं, तो वो हो गए राकेश अस्थाना, ठीक है। राकेश अस्थाना जो कि एक IPS ऑफिसर थे, वो एक IPS ऑफिसर थे राकेश अस्थाना, उनके जगह पे उषा पधी जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS बनाया गया है। BCAS का फुल फॉर्म क्या हो गया, BCAS का फुल फॉर्म हो गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। BCAS का फुल फॉर्म हो गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो उसी की डायरेक्टर जनरल बनी है उषा पधी और इन्होंने सक्सीड किया है राकेश अस्थाना जो कि एक IPS ऑफिसर थे उनको। और राकेश अस्थाना इस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं राकेश अस्थाना, ठीक है। राकेश अस्थाना को BSF का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। कब अपॉइंट हुए थे, 17 अगस्त 2020 को, ठीक है। 17 अगस्त 2020 को उन्हें BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये हो गई उषा पधी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।